हेलो टीचर्स, एजुकेटर्स, क्रिएटर्स, ये जो थंबनेल है ये क्लिकबेट नहीं है। पहली चीज मैं लिटरली कहता हूँ टीचर्स को, क्रिएटर्स को, कि थोड़ा आपको समझना पड़ेगा एजुकेशनल कंटेंट बनाते टाइम, अदरवाइज आपके चैनल पे जोर से आएगी स्ट्राइक और आपका चैनल देखते ही देखते डिलीट हो जाएगा। YouTube भी जब तक सपोर्ट नहीं देगा, जब तक जिसने स्ट्राइक मारी है वो स्ट्राइक को रिवोक ना करे या फिर एक जस्टिफाइड वे में कुछ सॉल्यूशन ना निकले। अब ये हो क्यों रहा है और ये स्पेशली एजुकेशनल चैनल्स के साथ ही हो रहा है? अभी मैं आपको बता दूं, आपने एक एग्जांपल देखा होगा एग्जामपुर वाला, कि एग्जामपुर का चैनल डिलीट हुआ फिर आया, बट ऐसा नहीं है। आजकल ये स्पेसिफिक लोगों की टीम बिठा दी कंपनीज ने कि भैया स्ट्राइक मारो ही मारो, लीगल एक्शन लो ही लो। ये 101% प्रॉपरली वर्क कर रहा है, पैसा लग रहा है, क्रिएटर्स मतलब ऑलमोस्ट परेशान हो रहे हैं, और एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन क्या हो रहा है? पैसा लग रहा है, और पैसा छोटा मोटा पैसा नहीं, मुंह मांगा पैसा, मनमाना पैसा। क्योंकि देखो आज की डेट में अगर किसी का यूट्यूब चैनल चले जाए ना, तो मैं ही जानता हूं, जैसे अगर मेरा यूट्यूब चैनल, ऐसा कभी हो ना, बट अगर यूट्यूब चैनल पे कोई थोड़ी सी भी आ जाती है ना, तो हिल जाता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल यूट्यूब से आ रहा है। तो आपको मैं इसीलिए सतर्क कर रहा हूं कि अगर आप एक टीचर हो, स्पेशली एजुकेशनल चैनल बना रहे हो ना, आप एक टीचर हो और एक एजुकेशनल चैनल आपके आप चलाते हो ना, तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है? तो कंटेंट बनाते टाइम आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बेसिकली हमारे साथ क्या होता है, हम लोग एज ए टीचर क्रिएटर हम क्या करते हैं, हम लोग हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, अपने जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए आप क्या यूज बनाते हो? कॉन्टेंट बनाते हो। रेफरेंस कहां से लेते हो? तो रेफरेंस आप लेते हो बुक से, है ना, या फिर हम किसी मैगजीन से ले लेते हैं, या किसी आर्टिकल से, न्यूज़पेपर से भी ले लेते हैं, किसी आर्टिकल से ले लेते हैं, इन सब सोर्सेस से लेते हैं। और ये सारे सोर्सेस भी तो कोई ना कोई कंपनी से लीड होता है ना। जैसे अगर आपने हिंदुस्तान टाइम्स का लिया है तो हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड लीड करता है, राइट? तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है कि जब आप किसी बुक का रेफरेंस लेके या किसी मैगजीन का या न्यूज़पेपर का ऐसा रेफरेंस लेके कंटेंट को क्रिएट कर देते हो, आप यहां से ही, अच्छा, इन रेफरेंस से आप क्या बनाते हो? पीपीटी बनाते हो, पीडीएफ बनाते हो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हो, ये सारी चीजें आप करते हो। अब इन सब कंटेंट को बनाते समय आप जब इन बुक के, इनके रेफरेंस को लेते हो, तो ये मान के चलिए कि इनकी जो कंपनी है, ये कंपनी स्पेशली पब्लिकेशन हाउसेस, जितने बड़े पब्लिकेशन है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता ना लूंगा, ये बड़े पब्लिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे, और अभी यूट्यूब का चैनल किनको बनाया जा रहा है, जिनके लाख दो लाख सब्सक्राइबर है, जिनकी अर्निंग है, उन पर सीधे सीधे स्ट्राइक मारी जाती है। अब स्ट्राइक किस वीडियो पे आ जाएगी? किसी भी वीडियो पे आ जाएगी, पुराने वीडियो पे, आपने कोई रेफरेंस उठाया, आपने देखा, इवन मैंने ये तक देखा है कि क्वेश्चंस के जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं ना, उस पर स्ट्राइक आ रही है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने वाली बात यह है, पब्लिकेशन हाउस से आपको बचना। न्यूज़पेपर यूजुअली यू नहीं करता, न्यूज चैनल से ये सब नहीं यूजुअली करते, बट पब्लिकेशन हाउस ये कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं और बड़े रिगरसली कर रहे हैं। मतलब उनको पता है कि ये 25 चैनल है, इन 25 चैनल के पीछे उनकी लीगल टीम बैठती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करती है, प्रूफ पे इकट्ठे करती है, और सीधे सीधे यूट्यूब पे स्ट्राइक मार देती है। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि कैसे हो रहा है। अब देखिए, ये टीचर, इसका ये यूट्यूब चैनल, ये टीचर है, ये यूट्यूब चैनल है, और यहां पर इसी, यहां से इस पब्लिकेशन हाउस ने, बड़े से बड़े पब्लिकेशन हाउस ने इस पर यूट्यूब के थ्रू मार दी स्ट्राइक, चैनल हो गया डाउन। अब क्या होता है? तो अब होता है असली गेम चालू। अब ये पब्लिकेशन हाउस और ये इस तरीके के जितने भी कंपनीज होती है, देखो ये पब्लिकेशन हाउस लीगली बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आप किसी का कंटेंट, इवन आप मैगजीन या बुक का कंटेंट जो खुद ने लिखा हुआ है, उसको यूज नहीं कर सकते, और अगर आप उनको यूज कर भी रहे हो तो आपको क्रेडिट देना होता है। वो कैसे दे होता है, मैं आपको आगे वीडियो बनाऊंगा, वीडियो में बने रहना मेरे साथ में। तो ये पब्लिकेशन हाउस बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होता है बेसिकली, अब इस टीचर को अपने यूट्यूब चैनल को बचाने के लिए सीधे सीधे आपस में पब्लिकेशन हाउस से डील करनी पड़ती है, और डील होती है पैसे में, और एक मोटे पैसे में। जब किसी का यूट्यूब चैनल किसी के बिजनेस पे बन के आती है, तो ये पैसा देना ही होता है और देता ही है। हालांकि देखो ये डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, कितना पैसा क्या
यहां पर मैं अगेन बोल रहा हूं, पब्लिकेशन हाउस गलत नहीं है, गलत तो आप ही है। आपकी अवेयरनेस ना होने की वजह से आपने अपने वीडियो बनाए और वीडियो में सीधे सीधे इस बुक, इस राइटर, इसका यूज किया, प्रॉपर प्रॉपर पेज छाप दिए और आपने ना तो इसे क्रेडिट दिया ना उससे परमिशन ली, तो फिर तो ये इसका राइट बनता है, ये इसका राइट बनता है कि मैं सीधे सीधे बोलूं कि आपने मेरा कंटेंट यूज किया है, आप पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारने का पूरा अधिकार पब्लिकेशन का होता है। तो पब्लिकेशन को गलत कहना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस वीडियो में आपने इनका कंटेंट यूज किया और उससे आपने लाखों रुपए की अर्निंग करी, तो लाखों रुपए की भी हो सकती है, हजारों की भी हो सकती है, तो इनका भी राइट बनता है कि भाई हमें भी तो कुछ चाहिए, और ये होता है, पैसे मांगे जाते हैं। तो अगर आपकी पहली बात, अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है किसी भी पब्लिकेशन हाउस को पैसा नहीं देने की, तो आप क्या करो, आप अपने कंटेंट को उतना सही तरीके से सिक्योर बनाओ। आप देखोगे बहुत सारे जो न्यूज आर्टिकल्स, बुक्स, मैगजीन को रिव्यू करते हैं, मतलब जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं फैकल्टीज, वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि हमने हिंदुस्तान टाइम्स से कंटेंट लिया है, हमने इस मैगजीन से कंटेंट लिया है, हमारे रिसोर्सेस क्या है, वो हर जगह मेंशन होते हैं, इवन ऑन थंबनेल, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स एनालिसिस, ये सब करना, इसी को बोलते क्रेडिट देना। डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है आर एस अग्रवाल को क्रेडिट दोगे आप जब भी उसका यूज करोगे, कोई सी भी बुक आप यूज करोगे, उन सभी बुक को आप क्रेडिट दोगे। पहले तो क्रेडिट दोगे, फिर दूसरा कोशिश करिएगा कि उनसे एक टाइप कर सको, टाइप सस्ता होगा यार। अगर आप पब्लिकेशन को जाके बोलोगे कि हम आपकी बुक को पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप बड़े यूट्यूब चैनल हो, आप ठीक कर रहे हो, तो आप एक टाइप कर लो, उसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब पैसा खर्च करना पड़ेगा, या फिर आप बिठाओ अपनी कंटेंट राइटिंग की टीम। जैसे क्या होता है यूजुअली, एक 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 कोई ए ने ए टू ए एंड बी वेंट टुगेदर, ऐसा करके एक कोई क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी की जगह कुछ और नाम लिख लो, है ना, वैल्यूज चेंज कर लो, तो ये हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हो, आप कोई डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वर्ड टू वर्ड नहीं, आपको अपने कंटेंट से मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ताकि वो कहीं से उठाया हुआ, कहीं से डायरेक्टली कॉपी ना हो। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, अदरवाइज क्या होगा कि आपके चैनल पर आएगा स्ट्राइक, जाएगा चैनल डिलीट, और देना पड़ेगा पब्लिकेशन हाउस को पैसा, तब जाके पूरी चीजें, पूरी प्रोसेस होगी। देखिए एक और बात, कई बार क्या होता है ना, आप ही समझ के देखिए कि आप इतने बड़े कोचिंग भी अगर होंगे, अगर जैसे देखिए एग्जामपुर का एग्जाम्पल मैं आपको ले, तो बड़ा कोचिंग था, बड़ा नाम था, बच्चों ने सपोर्ट किया, मैंने सपोर्ट किया, अगर आपके 20-25 सब्सक्राइबर होंगे तो कोई आपको सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा ठीक से, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा, मुझे पता है कि एक 10 सब्सक्राइबर भी कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं छोटे से चैनल में, छोटे से नहीं, बड़े से बड़े चैनल के लिए 10 सब्सक्राइबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आप अगर अभी शुरुआत करने जा रहे हो, या फिर आप एक हद तक शुरुआत कर चुके हो, अगर आपके 2-4-5-10 लाख सब्सक्राइबर है ना, अभी से ध्यान रखो, अभी से उसको ठीक करना स्टार्ट करो, अभी से कुछ वीडियोस में, अगर जैसे आपने पूरी की पूरी बुक को पढ़ाया है, उसको अनलिस्ट कर सकते हो, परमिशन का गेम खेल सकते हो, या फिर उनको क्रेडिट देना स्टार्ट कर सकते हो, थंबनेल पे क्रेडिट दे दो यार, उनकी ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग भी करना पड़ेगी, उनके पास तो पूरा राइट्स है। आप देखो बेसिकली कॉपीराइट एक्ट में क्या होता है कि अगर मैंने ऐसी 4-10 लाइन भी कॉपी करके अपनी एक और बुक बना दी, तो यहां पर भी मेरे साथ में कॉपीराइट एक्ट लग सकता है, मेरी वाट लग सकती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट भी ऐसा किसी का उठा ले वो पॉसिबल नहीं है, सही नहीं है। तो यहां पर अगर आपने इन चीजों को देखिए, YouTube की दुनिया में यूट्यूबर्स क्या करते, हम लोग बचते हैं बेसिकली किस चीज से, हम लोग किसी का वीडियो कॉपी नहीं करते, पूरा का पूरा वीडियो कॉपी नहीं करते, हम लोग क्या करते, उनका फोटो कॉपी नहीं करते, उनके लोगो कॉपी नहीं करते, ये भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक से बचते हैं, क्योंकि ये तो हर कोई बता देता है, बट किसको पता कि भैया मैं क्वेश्चन भी नहीं कॉपी कर सकता, मैं एक अपनी लिखी हुई डेफिनेशन कॉपी नहीं कर सकता प्रॉपरली, मैं बुक के नाम को प्रमोट नहीं कर सकता। आप टीचर पूरी बुक को पढ़ा देते हो, पर आप सोचते हो कि उस बुक का पूरा ओपनली आपने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। देखो एनसीईआरटी के केस में शायद ऐसा ना हो, पर मैं आपको बोल रहा हूं कि जब मैंने कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे, अच्छा इनके ऑनर्स में जितने लोगों के, कुछ लोगों के जो चैनल बंद हुए ना, मैंने उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट भी किया, उनसे बात करी, तब जाना कि हाँ भाई प्रॉब्लम हुई, इवन उन्होंने तो बताया भी कि हमने इस पब्लिकेशन को इतना अमाउंट दिया, इसको इतना अमाउंट दिया, ऐसा होता है। देखो पब्लिकेशन भी गलत नहीं है, उनका भी अपना राइट्स है, तो एक टीचर को समझना पड़ेगा। जैसे हम हमारे वीडियो किसी के यूज नहीं करते, हम किसी के लोगो मोनो को यूज नहीं करते, किसी ब्रांड का नेम यूज नहीं करते, वैसे ही आप कंटेंट यूज मत करो, अपने कंटेंट को बनाओ। जब भी मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी लेके आता हूं, तो मैं सब कुछ अपने हाथ से लिखता हूं, तो मैं कोशिश ये करता हूं, तो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से टीचर्स को पढ़ाना चाहिए
और कंटेंट देखो, किसी बुक से एक पेज से 5 बुलेट पॉइंट बनाने से स्ट्राइक नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो वैसा करिए ना, जितनी फ्री स्टॉक और इसकी इमेजेस होती है उन इमेजेस को यूज करिए, आपके चैनल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और ये बात हर एक टीचर, हर एक क्रिएटर जो एजुकेशनल कंटेंट को लेके वीडियो बनाता है, वहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और इसी के साथ साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अपने चैनल को प्रॉपरली सिक्योर करके रखे 2-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। इसके साथ साथ आप जब किसी यूट्यूबर को, हाँ एक और चीज ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद आ गई बता दिया। जैसे सपोज हमारी एक मार्केटिंग एजेंसी है, हाँ अब हमारी मार्केटिंग एजेंसी है जिसमें हम टीचर्स की पूरी ब्रांडिंग करते हैं, टीचर्स की डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो हम लोग सारी चीज़ें प्रॉपरली टीचर को करके देते हैं। तो हम लोग उनके यूट्यूब से लेके उनके पूरे प्रॉपर, मतलब हम सिंपल से ये कहते हैं कि यार एक टीचर को ब्रांड बनाने के लिए हम सोशल कंपनी का यूज़ करते हैं, जिसपे हम सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग, उसकी वीडियो एडिटिंग से लेके हर एक चीज़ का टेंशन हमारा, कोर्स बेचने से लेके हर एक चीज़ का टेंशन हमारा। अब इस चीज़ के नाम पे टीचर को क्या क्या देना पड़ता है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को? YouTube का एक्सेस। तो बहुत सारे टीचर समझदार हो गए, दे देते हैं मैनेजर का एक्सेस। भाई साहब, मैनेजर का एक्सेस देना, और उन लोगों को देना बहुत जरूरी है। मेरे यहां पर जिस सिस्टम में, 3 सिस्टम ऐसे हैं जिसमें हम टीचर के, हमारे कोचिंग ओनर्स के YouTube का एक्सेस लेते हैं, उसमें हम कहीं से कहीं तक ये गलती नहीं करते, हम कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं डालते, कोई भी अननेसेसरी एक्सेस नहीं करते, किसी एक नेटवर्क में नहीं यूज करते, हमने सारे प्रोटेक्शन लगा रखी है, सारी चीजें करके रखी है। यूजुअली क्या होता है, मैनेजर एक्सेस से अकाउंट कैसे हैक होते हैं, गलत क्या होता है, यूजुअली मैनेजर एक्सेस के पास में राइट होता है वीडियो डालने का। आपके चैनल पे अगर 4-5 अनवांटेड वीडियो डल गए तब भी स्ट्राइक आ जाती है, तब भी सस्पेंशन आपका यूट्यूब का हो सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और अगर आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले सकते हैं। ये हमारा प्रॉमिस है कि हम कुछ ही महीनों के अंदर आपको अच्छी ग्रोथ कराएंगे। वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।